हे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम हैकिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इथिकल हैकिंग के इस सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे सिस्टम हैकिंग के बारे में कि सिस्टम हैकिंग क्या होता है, सिस्टम हैकिंग कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स मेथोलॉजी फॉलो करके आप किसी सिस्टम को हैक कर सकते हो और उसके लिए क्या क्या बेस्ट टूल्स होते हैं और उसके क्या क्या मेरिट पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू अमन कंप्यूटर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं कि ये वीडियो आपका सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए, किसी भी तरह का अनऑथराइज यूजेस के लिए नहीं। सो दोस्तों, हम लोग लास्ट की वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं नेटवर्क स्कैनिंग, इम्यूलेशंस और फुटप्रिंटिंग के बारे में। आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आप जाकर के मेरे चैनल पर इसकी वीडियो देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं कि क्या क्या मेथड और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है सिस्टम हैकिंग के लिए और कैसे कैसे उसको किया जाता है, कुछ टूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, सिस्टम हैकिंग जो होता है ये एक मेथड, एक मेथोलॉजीज होता है जिसको हम फॉलो करके किसी भी सिस्टम को हैक करते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी टूल्स को लेकर के किसी को आपने डाला और उसका आप सारा इन्फॉर्मेशन को गेन कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता। सिस्टम हैकिंग में जो आपका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सिस्टम हैकिंग के लिए होता है गोल्स, कि आप गोल सेट करते हो कि उसका कैसे आप जो भी आपका टारगेट है, आप एक यूज़र हो ए और आपको हैक करना है बी कोई अनदर यूज़र को, तो आपके पास का गोल होना चाहिए उसे हैक करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा इन्फॉर्मेशन कैसे मैं गैदर करूँ, कौन कौन सा मेथड यूज करूं, कैसे उसके पासवर्ड्स को कैरी करूं, कैसे उसके टर्मिनोलॉजी वो कैसा यूज कर रहा है वो सारा कुछ लूं और उसके कैसे कैसे वो मेथड्स फॉलो कर रहा है, उसके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है नहीं रखा है, ये सारा कुछ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट निकल के आएगा वो होगा CHE हैकिंग मेथड, कि कैसे कौन सा मेथड आप फॉलो करोगे, एक्टिव करोगे, पैसिव करोगे, टूल्स कैसा यूज करोगे, उस तक सिस्टम से कनेक्टिविटी कैसे एस्टेब्लिश करोगे, उसका जो भी टारगेट आपका है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है वो अपडेटेड है या नहीं, ये सारा कुछ हम लोग हैकिंग मेथोलॉजीज में कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम हैकिंग वो है पासवर्ड क्रैकिंग, कि आपको उसके सिस्टम तक आप पहुंच गए और आपको उसका पासवर्ड नहीं पता तो उसे कैसे आप क्रैक कर सकते हो, कैसे उसको हटा करके अपना पासवर्ड नया आप सेट कर सकते हो, उसके जो सेट पासवर्ड है उसके यूजर उसे कैसे आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट आता है निकल करके वो होता है पासवर्ड क्रैकिंग यूजिंग की लॉगर्स। दोस्तों, मैं की लॉगर्स का एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ आपको मैं दे दूँ। की लॉगर्स होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपके सिस्टम को हैक करना चाहता हूँ बट मेरे पास कोई टूल्स टेक्निक्स नहीं है जिसे मैं हैक करूँ, तो मैं कुछ की लॉगर्स कलेक्ट करूंगा और आपके सिस्टम में उसे इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल करते साथ मैं उस की लॉगर्स के मदद से आपके सिस्टम को पूरा मॉनिटर करूंगा कि आप क्या पासवर्ड डाल रहे हो, क्या पासवर्ड आप नहीं डाल रहे हो, आप कौन कौन सा वेबसाइट पे जा रहे हो, कौन सा पासवर्ड मेथड आपने यूज किया है नहीं किया, ईच एंड एवरीथिंग का मेरे पास सारा का इन्फॉर्मेशन मेरे सिस्टम पे पहुंचते जाएगा विद इन हेल्प ऑफ की लॉगर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट निकल करके आता है पासवर्ड सिस्टम हैकिंग में, वो होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन। यहाँ दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ऑथेंटिकेट करता है माइक्रोसॉफ्ट का पासवर्ड पॉलिसी, पैप बेस पे होता है, चैप बेस पे होता है, थ्री हैंड ऑथेंटिकेशन फॉलो करता है, माइक्रोसॉफ्ट किस तरीके से उसे कवर करता है, कौन सा डायरेक्टरी में सारा फाइल्स जाकर के सेव होता है पासवर्ड से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट निकल करके आता है कैसे हम लोग डिफरेंट एजेंट्स बना करके पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, कोई यूजर है एक, मान लो आप ABC आपको एक यूजर बनाते हो DEF, तो इस यूजर से कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं वाया घुस करके ABC का पासवर्ड, तो वो सारा मेथड हम लोग कवर करेंगे इस एजेंडा में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट निकल करके आता है वो आता है स्पाइवेयर होता है दोस्तों, मैं किसी वेबसाइट से आपको कोई लिंक भेजूँ हैकिंग करने का, जो सिस्टम हैकिंग का एक मेथड ये भी होता है कि मैं कोई लिंक भेजूँ आपको स्पाइवेयर के थ्रू और उसमें जैसे आप क्लिक करो ऑटोमेटिक एक एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए और सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास दे दे कि आपका सिस्टम का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज किया है, पासवर्ड क्या क्या आप यूज करते हो, पासवर्ड आपने कितने लास्ट से चेंज नहीं किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट है या नहीं एक्सेट्रा, तो ये सारा चीज के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो पे बात करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट निकल करके आता है वो आपका एंटी की लॉगर्स एंड स्पाईवेयर। एंटी की लॉगर्स और स्पाईवेयर में आपको ऑटोमेटिक जनरेट करता है सारा आपके एवरी सेकंड के स्नैप्स और भेजता है मुझे, मैं जैसे इसे इंस्टॉल करता हूँ आपके सिस्टम पे तो सारा पूरा का पूरा डेटाबेस मेरे पास भेज देगा आपके सिस्टम का कि कैसे कैसे आप टेक्निक्स कौन कौन सा मेथड मेथोलॉजी आप यूज कर रहे हो अपने सिस्टम्स पे। दोस्तों इसी वीडियो का दोस्तों पार्ट सेकंड आएगा जिसमें मैं और भी मॉडल्स को कवर करूंगा और आने वाले उसके और भी आपको वीडियोस पे आपको सारे के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा
और आपको बताऊंगा कैसे उसे प्रैक्टिकली हम इसका यूज करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे हम क्रैक कर सकते हैं विंडोज लिनक्स एंड एनी ऑपरेटिंग सिस्टम को। दोस्तों आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो या किसी भी तरह का कोई सुझाव हो सो प्लीज़ उसे मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अमन कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।